बोले थे कल 3 तारीख को पहुंच जाएंगे 2 बजे। 3 तारीख को 2 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ, उतर जाएंगे। एक पत्नी है यहाँ पे, ये इंतजार में बैठी रहती हैं और अपने पति का जाते हुए तो पीठ देखे होंगे मगर आते हुए चेहरा अभी तक नहीं देखे हैं। यही इंतजार में है कि मेरे पति कब आएंगे, मेरे पति कब आएंगे। और ये नन्हा सा प्यारा सा बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का बच्चा। 3 आदमी ट्रेन में थे जो 2 आदमी बुरी तरीके जख्मी हो गए, जो सूरज कुमार अभी तक नहीं आ रहा है। और यहाँ से बहुत सारे ग्रामीण हैं और सूरज कुमार की आप सामने पत्नी देख रहे हैं जो यही इंतजार में है कि हमारा सूरज कब आएगा, हमारा सूरज कब आएगा। मौजूदगी समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव में है। जो मूसेपुर गांव में है, यहाँ बहुत सारे महिला को देख रहे हैं जो बैठी हुई हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरह ये सारा इंतजार में बैठी हैं। जो समस्तीपुर का एक बेटा जो आप कोरमंडल एक्सप्रेस से जो आ रहा था, आपस में 3 ट्रेन टकराने से जो इनके 3 आदमी थे, जो माँ और आपको पिताजी और वो लड़का, तीनों आ रहे थे। जो पिताजी और माँ की बरामदगी हो गई है, वो मिल गए हैं। और इनका एक लड़का है जो सूरज कुमार नाम है उसका, जो अभी तक लापता है, जो नहीं वो अभी तक मिल रहा है, जो उन्हीं के हम परिवार में आए हुए हैं, जो हम बात करते हैं। इधर आइएगा भाई साहब, क्या वो कहाँ से आ रहे थे और कितना दिन पहले यहाँ से गए थे? यहाँ से 2 महीना पहले गए थे, बेंगलोर से वो आ रहे थे। बेंगलोर से आ रहे हैं। वो कौन ऐसी ट्रेन में थे जो आपस में 3 ट्रेन टकराने? कोरमंडल एक्सप्रेस में वो लोग थे। क्या उन लोग का रिजर्वेशन था या जनरल डिब्बे में थे? जनरल से आ रहे थे। जनरल से आ रहे थे, तो उनके पिताजी और मम्मी और वो लड़का आ रहा था। हाँ, तीन आ रहे थे। जी, तो इसमें कौन कौन मिला है? इनमें से भैया भाभी मिले जी, भतीजा मिसिंग है। अभी भतीजा का कोई पता नहीं चल रहा है अभी तक, कोई लोकेशन नहीं। यहाँ से आदमी लोग गए हुए हैं, यहाँ से चंदा चुटकी लेके ग्रामीण को भेजा गया। हाँ, मालूम पड़ा है कि आप लोग चंदा चुटकी भी आपस में ये आप अपने ग्रामीण के सहयोग से कलेक्शन किए हैं, उसके बाद वहाँ उनको गए हैं देखने के लिए। चाचा लोग को भेजा गया जी। क्या वहाँ मुलाकात हुई यहाँ से जो आदमी गए? भैया भाभी से मुलाकात हुई, उनको खोजबीन, लड़का का खोजबीन चल रहा है। लड़का का अभी तक किसी तरीके का कोई भी मालूम नहीं है? नहीं। ये बेंगलोर गए हुए थे वो 2 महीना पहले। बेंगलोर से ये घर आ रहे थे। और इनकी मम्मी तो वही हैं। मम्मी वही हैं। यहाँ पे पत्नी है, आप पत्नी को देख सकते हैं जो इनसे हम बात कुछ करते हैं। आगे आ जाइएगा थोड़ा। ये एक छोटा बच्चा थे, उन्हीं का बच्चा है ना? कितना बच्चा है? 2 बच्चा है। क्या नाम हुआ आपका? इधर नज़दीक आइए, इधर। क्या नाम है? सोनी कुमारी। कितने बच्चे हैं आपके पास? दो बच्चे हैं। दो। आपके पति कितना दिन पहले यहाँ से गए थे? 2 महीना। 2 महीना पहले गए थे। तो आपको वहाँ से जब चले थे, बेंगलोर से आ रहे थे, बेंगलोर से चले थे, तो आपसे बात हुई थी? हाँ, क्या बात हुई थी? बोले थे कल 3 तारीख को पहुँच जाएंगे 2 बजे। 3 तारीख को 2 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ, उतर जाएंगे। एक पत्नी है यहाँ पे, ये इंतजार में बैठी रहती हैं और अपने पति का जाते हुए तो पीठ देखे होंगे मगर आते हुए चेहरा अभी तक नहीं देखे हैं। यही इंतजार में है कि मेरे पति कब आएंगे, मेरे पति कब आएंगे। और ये नन्हा सा प्यारा सा बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का बच्चा है। ये लड़का है, ये लड़की है? लड़की है। ये प्यारा सा बच्चा आप जो देख रहे हैं, ये अपने पापा के इंतजार में अभी तक यहाँ पे मायूस होकर के बैठे हैं कि मेरे पापा कब आएंगे। और इनकी पत्नी है और यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय लोग भी हैं और इनके परिवार के लोग भी हैं। यही उम्मीद में है, ये सारा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह सूरज कुमार कितना जल्दी मिल जाता और यहाँ घर आता। क्या उम्मीद लगता है माता जी सूरज कुमार का? क्या कुछ अभी तक पता नहीं चला है? नहीं, कुछ पता चला है? कुछ पता नहीं चला? नहीं पता चला है। उसको फोटो नहीं भी आया जी, उसको फोटो नहीं आया है ना, उसको पता है अभी तक। सब 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं फूकाता है। 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जल रहा है? 4 दिन से बताइए चूल्हा नहीं जल है ना जल रहा है। यहाँ पे एक बहन है जो हम इनसे बात करते हैं, बहुत रो रही हैं जो इनसे। ये जो सूरज कुमार आपका कौन है? दामाद है सर जी। दामाद इधर देखिए, इधर देखिए जी। आपका दामाद है जी? जी। ये सूरज कुमार जो हो गया, इनका दामाद हो गया। क्या ये आपको कितना दिन पहले उस सूरज कुमार की शादी हुई थी? 5 साल पहले हुई थी। सब आए हैं सर हमारा गांव से, हमारा सब गोतनी है, मेरा दामाद है। आप देख सकते हैं किस तरह पूरा परिवार गम के सदमे में डूबे हुए हैं। 2 बच्चा है सूरज कुमार को। ये लड़का है क्या? लड़का है। एक लड़का है सूरज कुमार को और एक लड़की है। ये दादी अपनी गोद में लेकर के खड़ी हुई है।
सूरज कुमार को कोई बात हो जाता है किसी तरीके का, उसके साथ हादसा तो ट्रेन में हो ही गया, इसलिए कि कितनी माँ की गोदे सुनी हो गई, कितने पत्नी की मांग का सिंदूर धो गया। हाँ, अब सूरज कुमार के साथ क्या होता है ये भगवान को मालूम है। और आगे ये सूरज कुमार का आप घर परिवार देख सकते हैं, किस तरीके घर का ये हालात बना हुआ है। और यहाँ पे आप उठिएगा थोड़ा अंदर, चलिए अंदर। यहाँ पे आप गेट पे देख सकते हैं जो सूरज कुमार का एक नाम भी लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं, मगर सूरज कुमार के इंतजार में यहाँ पे बैठे हुए हैं कि सूरज कुमार अब आएगा, मगर अभी तक उसका किसी तरीके का कोई न लोकेशन मिल रहा है, न किसी तरीके का पता चल रहा है कि वो किस हालात में है और कहाँ है, नहीं है, जो उसका किसी तरीके का भी कोई चर्चा नहीं मिल रहा है। क्या आपसे वहाँ ससुर और सास से बात हो रही है? हाँ जी। क्या वो बोल रहे हैं? बोल रहे हैं वो दोनों तो ठीक है, उनका नहीं पता चल रहा। ये दोनों कहाँ हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल में है उनका तो। ये आपको बहुत, ये आपको इनका फोटो वीडियो देखने से पता चल रहा है कि बहुत गंभीर रूप से ये भी लोग घायल हैं। क्या अपने होशो हवास में वो लोग हैं? आपसे बात हो रही है तो क्या बोल रहे हैं सूरज कुमार के बारे में, क्या बोल रहे हैं? और यहाँ से जो आपके आदमी सारे गए हैं वो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ढूंढ रहे हैं उनको हॉस्पिटल सामने। हॉस्पिटल सब में तो वहाँ तो बहुत सारा हॉस्पिटल है और बहुत सारे आदमी यहाँ हैं जिसके साथ ये घटना हुआ है, जो कौन कौन राज्य के आदमी थे, कौन कौन जिला के आदमी थे, बहुत सारे आदमी हैं। क्या उम्मीद लगता है भगवान पे, क्या भरोसा कर रहे हैं कि क्या सूरज कुमार घर आएंगे? हाँ आएंगे जी, आएंगे वो, भरोसा आएंगे जी। भरोसा है जो बोले आएंगे जी जी, लेकिन अब भगवान के ऊपर है जो क्या होगा नहीं होगा। वो एक ही जगह का ये हालात नहीं हुआ है, यहाँ बहुत सारी तीन ट्रेन एक साथ टकरा जाना बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, और कहीं ना कहीं अब इसमें आपको किसकी लापरवाही के कारण ये ऐसा हुआ है, जो ऐसा नहीं है कि यही एक गांव जो मूसेपुर है यहाँ एक मातम छाया या गम का माहौल, बहुत सारी माँ की गोदे सुनी हो गए, बहुत सारी माँ का लाल चल गया, उसका कितनी पत्नियाँ की मांग का ये खाली हो गए, उसका सिंदूर धो गया। क्या आपको उम्मीद है कि सूरज कुमार आएंगे? एक रुपया में 12 ना उम्मीद नहीं है, 4 ना उम्मीद है। 4 ना उम्मीद है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी कुछ नहीं कह सकते। भगवान के ऊपर निर्भर है कि भगवान क्या करते हैं, भगवान का ऊपर है। भगवान जो अगर मांग का सिंदूर होगा, चुटकी का महत्व होगा, तो कब पति आएगा, ना तो हमको भरोसा नहीं है अभी भी। जब उसको शरीर नहीं देखेंगे तो भरोसा नहीं है, इतने हम कह सकते हैं, इसे कुछ नहीं कह सकते। तीन ट्रेन जो आपस में टकराती है, वहाँ बहुत बड़ा हादसा होता है, जो वहाँ आपको किसी तरीके का अनुभव करना मुश्किल है, इसलिए कि कितने की वहाँ टांगे अलग हैं, कितने की गर्दन अलग है, कितने का हाथ अलग है, जिस तरीके का हालात वहाँ नज़र आ रहा है। और पुलिस शासन प्रशासन के जो लोग हैं वहाँ, बहुत सारी टीम भी जुटी हुई है, जो आपको अभी तक मलबा हटाया जा रहा है। सूरज कुमार के पिताजी से आपको बात हो रही है क्या? बात हो रही है। क्या वो बात हो रही है? वही अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है, बहुत आपको घायल अवस्था में ज्यादा हैं? ज्यादा है, ज्यादा हैं। दोनों मियां बीवी दोनों ज्यादा है। सिर्फ सूरज कुमार का पता नहीं चल उसका रहा है? वो बोला है 9 बजे के बाद पता करेंगे। 9 बजे के बाद पता करेंगे, हॉस्पिटल खुलेगा तब बोलेंगे। मतलब वो बोला है, हमारे फोन किए ना तो बोला है 9 बजे के बाद हॉस्पिटल खुलेगा जी, तो 9 बजे के बाद अब बोलेगा, फोन करेगा। सूरज कुमार जो था, सूरज कुमार के ये जो बच्चा है, बताएं सूरज कुमार ऐसे कोई शौक से वहाँ घूमने के लिए नहीं गए थे। सूरज कुमार कोई आपको वहाँ आपको किसी तरीके का जश्न मनाने के लिए नहीं गए थे, वो सिर्फ गए थे तो 2 रोटी के जुगाड़ में गए थे कि वहाँ हम जाते हैं बेंगलोर में, जो 2 रुपया कमाएंगे, कमाने के बाद घर लाएंगे तो मेरी पत्नी माँ बाप और ये छोटा बच्चा खुशी से खाएगा पिएगा, जो इसको किसी तरीके का कष्ट नहीं होगा। जो संजोग है कि ट्रेन एक साथ में तीन ट्रेन टकराती है, जो इनके परिवार के 3 आदमी बुरी तरीके के, ये 3 आदमी ट्रेन में थे, जो 2 आदमी बुरी तरीके जख्मी हो गए, जो सूरज कुमार अभी तक नहीं आ रहा है। और यहाँ से बहुत सारे ग्रामीण हैं, और सूरज कुमार की आप सामने पत्नी देख रहे हैं, जो यही इंतजार में है कि हमारा सूरज कब आएगा, हमारा सूरज कब आएगा। अब भगवान के ऊपर है कि इनका सूरज आता है या नहीं आता है। ये छोटे बच्चे को देख रहे हैं, जो ये छोटा बच्चा, बाबू खड़े हो ना,
ये आप बच्चे को देख रहे हैं, ये सूरज कुमार की लड़की है और एक छोटा बच्चा ये जो आप देख रहे हैं ये सूरज कुमार का बेटा है जो यही अपने सारा ये बच्चा देख रहा है कि ये क्या होगा। मगर ये छोटा बच्चा इसको क्या अभी मालूम कि ये क्या बात हुआ नहीं है, सिर्फ इतने देख रहा है कि यहाँ पर इतना सारा भीड़ और उसमें भी पहली बार इतना हमारे आंगन में भीड़ कैसे है और क्यों हो रही है, यही बच्चा सोच रहा होगा। क्या यही ना सोच रहा होगा? हाँ। ये बाबू बोल पाती हो क्या? पप्पा का क्या नाम है? पप्पा का नाम क्या है? पप्पा के पप्पा बोले बाबू। ये छोटा बच्चा है, ये अभी आपको क्या जाने